हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशरी एकेडमी। मेरा नाम है इंदु शेखावत। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्यूरिसप्रूडेंस डिस्कस करेंगे और ज्यूरिसप्रूडेंस से रिलेटेड ऑलरेडी 3 लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले वीडियो में ज्यूरिसप्रूडेंस का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने ज्यूरिसप्रूडेंस क्या है और बहुत सारे जूरिस्ट ने ज्यूरिसप्रूडेंस की क्या डेफिनेशन दी, कैसे इंटरप्रेट किया, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। अब उसके नेक्स्ट टू वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे द स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, दैट इज उसमें सबसे पहला स्कूल हम डिस्कस कर रहे थे एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, ठीक है। अब एनालिटिकल स्कूल की क्या सोच रहती है कि ये बेसिकली इनका एक जो जिस्ट हम बात करें वो ये है कि व्हाट इज लॉ दैट इज एग्जैक्टली दैट इज इन प्रेजेंट या दैट इज स्टेटेड बाय द फैक्ट्स, यानी कि जो लिखा हुआ है वही लॉ है, ना कि व्हाट ऑट टू बी कि आपको क्या करना चाहिए, वो लॉ नहीं है, जो लॉ लिखा हुआ है वही लॉ है, ठीक है। यानी बेसिकली मोरालिटी और लॉ को डिफरेंशिएट किया है, इसको हम आगे में पढ़ेंगे। तो हम लोग दो जूरिस को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि जिनका पहला नाम था, हमने बेंथम को डिस्कस कर चुके हैं और ऑस्टिन को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये दो जूरिस्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आज हमारे थर्ड इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट की, जो है HLA हार्ट। अगेन ये तीसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट हैं एनालिटिकल लॉ स्कूल के, और बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अब किसी भी जूरिस्ट को स्टार्ट करने से पहले वही हम उनके बारे में क्या पढ़ते हैं, उनका अगर कोई फुल नेम है, कहाँ बर्थ लिया, क्या एजुकेशन था, क्या उनके फेमस वर्क्स रहे हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके फुल नेम के साथ में। इनका फुल नेम है हर्बर्ट लियोनल एडोफिस हार्ट, ठीक है। अब इतना पूरा बेसिकली MCQs में पूछा जा सकता है या वन वर्ड क्वेश्चंस आएंगे आपको तो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको उनका फुल नेम पता होना चाहिए। ही वॉज बॉर्न इन 1907 एंड ही अर्न हिज बैचलर्स डिग्री इन 1929 फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, दिस इज वेरी सिंपल। ही प्रैक्टिस्ड एज अ बैरिस्टर इन द कोर्ट्स ऑफ लंडन, ट्यूटर ऑफ फिलोसफी इन 1946 टू 1952 एंड इन 1952 द हार्ट सर्व्ड एज अ प्रोफेसर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। बैरिस्टर की जैसे प्रैक्टिस करी इन द कोर्ट ऑफ लंडन, उसके बाद में 1946 से लेकर 1952 तक इन्होंने एज अ ट्यूटर ऑफ फिलोसफी पढ़ाया, उसके बाद में एज अ प्रोफेसर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस 1952 के बाद भी इन्होंने सर्व किया है। उसके बाद में इनके फेमस वर्क हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और क्लासिक वर्क जो है वो है इनका द कंसेप्ट ऑफ लॉ, जो कि 1961 में आया था। सेकेंड द कैरेशन ऑफ द लॉ इन द लॉ एंड द लॉ लिबर्टी एंड मोरालिटी 1963। उन्होंने बेसिकली डिफ्रेंशिएट किया था लॉ के अंदर और मोरालिटी के अंदर, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और क्लासिक वर्क है, अगर एक ही वर्क पूछा जाए तो हमेशा कंसेप्ट ऑफ लॉ लिखें, क्योंकि इनका सबसे फेमस वर्क था, अगर आपसे MCQ में पूछा जाता है या वन वर्ड में पूछा जाता है तो, ठीक है। सो अभी तक क्या डिस्कस किया, इनका पूरा नाम, इन्होंने कहाँ बर्थ लिया, इन्होंने बैचलर्स डिग्री कहाँ से करी, उसके बाद में इनका जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से था वो सब चीज़ें क्या थी कि लंदन में ये एज अ बैरिस्टर थे, देन बाद में फिलोसफी ट्यूटर थे, उसके बाद में इन्होंने एज अ प्रोफेसर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ाया, उसके बाद में हमने इनके 3 फेमस वर्क देखे। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर द HLA हार्ट। अब बात करते हैं हार्ट्स कंसेप्शन ऑफ लॉ, इन्होंने लॉ को कैसे डिफाइन किया, ये लॉ के बारे में क्या कहते थे। सो एज पर हिम द लॉ इज अ सिस्टम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रूल्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ विच प्रोवाइड्स की टू द साइंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। बेसिकली ज्यूरिसप्रूडेंस है क्या, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया, वो सब चीज़ें हम ज्यूरिसप्रूडेंस में पढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि जो लॉ वो है, लॉ जो है वो 2 तरीके के रूल्स इंक्लूड करता है, ठीक है, जो कि ये दोनों रूल्स कंबाइन करके ज्यूरिसप्रूडेंस में ज्यूरिसप्रूडेंस एक बनाते हैं। बेसिकली एक लॉ तभी बनता है 2 रूल से बनता है। अब इनके रूल्स क्या थे, प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल। प्राइमरी रूल ने क्या कहा, दैट दे आर द ड्यूटी इम्पोजिंग, दूसरा बाइंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। और सेकेंडरी रूल्स क्या होते हैं, दे आर द पावर कन्फरिंग एंड दे इनेबल द लेजिस्लेटर टू मॉडिफाई देयर पॉलिसीज एज पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम किसी एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, 2 बातें हैं, अगर हम किसी एक पर्सन को कहें कि 2 बातें कहें कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरा आप चोरी नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि चोरी नहीं कर सकते
वो क्या हो गया, एक रूल हो गया, एक लॉ हो गया कि आप ये नहीं कर सकते वरना आपको पनिश होगा, दे आर बैक्ड बाय सैंक्शन। सो ये तो क्या हो गया, प्राइमरी रूल, आपने एक लॉ बना रखा है जहां आप चोरी नहीं कर सकते हैं, वो आप पे ड्यूटी इम्पोजिंग है कि आप ये नहीं कर सकते, आप पे इम्पोज किया गया है, और ये इंडिविजुअल्स को बाइंड करता है कि आपको वो चीज फॉलो ही करनी पड़ेगी। बात करते हैं सेकेंडरी रूल्स की, तो ये क्या होते हैं, पावर कंफरिंग रूल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, पहले एक बार दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे मैंने क्या कहा था, चोरी नहीं करनी चाहिए, चाहिए वाली बात तो क्या हो गई, मोरालिटी हो गई, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। दूसरा हमने क्या कहा, आपको चोरी नहीं करनी है, ये हमारा लॉ हो गया, एक बेसिकली लॉ एक सोसाइटी में डेवलप किया जो ये चीज मानता है और आप उससे बाइंडेड है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं करनी चाहिए, दैट इज अ मोरालिटी, ये एक इंस्टिंक्ट होता है कि ये चीज गलत है और आपको नहीं करनी चाहिए। सो बेसिकली हमने प्राइमरी रूल डिस्कस किया, अब सेकेंडरी रूल की बात करते हैं। तो पावर कन्फरिंग रूल्स, यानी कि मान लीजिए अपने यहाँ पे बहुत सारे गवर्नर्स हैं या जो भी है, पार्लियामेंट है, हर चीजें किसके थ्रू चलती है, लॉज के थ्रू चलती है, यानी कि लॉज वो भी होते हैं जो किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को पावर इम्पोज करते हैं, पावर कन्फर करते हैं कि आप ये पर्टिकुलर लॉ बना सकते हैं। तो ये क्या हो गए, पावर कन्फरिंग रूल्स हो गए, ठीक है। अब इसमें पर्टिकुलरली हमने क्या क्या डिस्कस किया, जरा फटाफट से एक जिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा एचली हार्ट का फुल नेम, कहाँ बर्थ था, क्या डिग्री थी, क्या इनका करियर पॉइंट ऑफ व्यू रहा, क्या इनके फेमस वर्क्स थे। उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ लॉ के बारे में कि लॉ क्या है, तो इनके अकॉर्डिंग दो रूल्स हैं। दो रूल्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स वो होते हैं जो ड्यूटी इम्पोजिंग होते हैं, और सेकेंडरी रूल्स वो होते हैं जो पावर कन्फर करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। सो द सेकेंडरी रूल, अब सेकेंडरी रूल्स को इन्होंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है, उसको देख लेते हैं। द सेकेंडरी रूल्स लेज डाउन द वेज इन विच द प्राइमरी रूल्स आर इंट्रोड्यूस एंड चेंज्ड एंड एनफोर्स्ड, यानी कि प्राइमरी रूल्स, अच्छा बताओ सेकेंडरी रूल्स नहीं होंगे तो प्राइमरी रूल्स कैसे बनेंगे। सेकेंडरी रूल्स जब आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को पावर कन्फर करेंगे टू मेक लॉज, तभी वो लोग प्राइमरी रूल्स को बनाएंगे, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, लॉ जेनरेट करते हैं। जो सेकेंडरी रूल्स को क्या किया गया है, वो वे हैं, वो वेज ले डाउन करते हैं जिससे हम प्राइमरी रूल्स को इंट्रोड्यूस कर सके। सबसे पहला रूल क्या है, द रूल ऑफ रिकग्निशन, यानी कि ये क्या करता है, पर्टिकुलर रूल को वैलिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि किसी भी लॉ को रिकग्निशन देता है। देन रूल ऑफ चेंज, यानी कि आप किसी भी तरह का चेंज लेके आ सकते हैं, तो रूल ऑफ चेंज। रूल ऑफ एडजुडिकेशन, रूल ऑफ इम्पोजिंग रूल्स, बेसिकली इनके नाम से याद होनी चाहिए, इनकी डिटेल से अपने को फिलहाल कोई मतलब नहीं है। आगे हम बात करते हैं, हिज थियरी लेज डाउन द लॉ इज एक्चुअली व्हाट इज लेट डाउन सेपरेट फ्रॉम व्हाट लॉ इज ऑट टू बी, बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं लॉ और मोरालिटी को। ये कहते हैं लॉ वो है जो लिखा गया है, ना कि वो जो हमें करना चाहिए, व्हाट नॉट ऑट टू बी, ठीक है। एज पर द एचएलए हार्ट देयर इज अ लॉ देयर ह्यूमन कंडक्ट इज मेड इन सम सेंस नॉन ऑप्शनल एंड ऑब्लिगेटरी, वो ये कहते हैं कि लॉ वो चीज है जो कि एक ह्यूमन कंडक्ट को ऑब्लिगेटरी कर देता है कि आपको ये चीज फॉलो करनी ही है। तो ये क्या करता है, ह्यूमन कंडक्ट को ऑब्लिगेटरी बनाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब जस्ट क्या देखेंगे इनका एक शॉर्ट सेंटेंस में, लॉ क्या है, सेट ऑफ रूल्स, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्लिगेशन इज द कोर कंसेप्ट ऑफ द रूल्स, यानी कि ऑब्लिगेशन किसी के ऊपर डालना वो एक मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इन रूल्स का, और वही रूल, सेट ऑफ रूल्स क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, ठीक है। सो हमने क्या डिस्कस किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स डिस्कस की। सेकेंडरी रूल्स के अंदर चार तरीके के आगे रूल्स थे, वो हमने उनके नाम देखे और एक बेसिक जस्ट देखा। अब बात करते हैं हार्ट का व्यू क्या था लॉ और मोरालिटी के ऊपर। मैंने पहले भी कहा था कि इन्होंने डिफरेंशिएट किया है लॉ एंड मोरालिटी को। एज पर द एचएलए हार्ट, लॉ एंड मोरालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ईच अदर, मतलब कि अगर लॉ एंड मोरालिटी है तो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और सप्लीमेंट भी करते हैं। कैसे, वही जो बात मैंने आपको पहले के एग्जाम्पल दी थी कि हमको चोरी नहीं करनी चाहिए और नहीं करनी है, लॉ तो कहेगा कि नहीं करनी है, मोरालिटी कहेगी नहीं करनी चाहिए, तो यानी कि आपका सेंस भी कहता है और लॉ भी कहता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे से क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हैं। अकॉर्डिंग टू हिम एज ए मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इंडिविजुअल फील्स मॉरली बाउंड टू अबाइड बाई दीज रूल्स बोथ एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, वही जो मैं आपको कह रही थी कि हर इंडिविजुअल को मॉरली बाउंड भी करते हैं वो रूल्स और उनको ड्यूटी बाउंड भी करते हैं,
यानी कि आपका मोरल भी यही कहता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए और आपको लॉ भी यही कहेगा कि आपको ये पर्टिकुलर चीज नहीं करनी चाहिए। सो ये था इनका व्यू लॉ एंड मोरालिटी पे। अब आगे देखते हैं, इन्होंने चार तरीके के एट्रीब्यूट्स दिए मोरालिटी के ऊपर। क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं मोरालिटी के? इसकी इम्पॉर्टेंस, यानी कि हर इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर मोरल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, यानी कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं। देन इम्यूनिटी फ्रॉम डेलिबरेट चेंज, वॉलेंट्री कैरेक्टर फ्रॉम ऑफ मॉरल ऑफेंस, फॉर्म्स ऑफ मॉरल प्रेशर विच सेपरेट इट फ्रॉम एटिकेट कस्टम्स एंड द सोशल रूल्स। कभी कभी क्या होता है, जो मॉरल्स होते हैं वो आपके कस्टम्स एटिकेट्स इन सबसे डिफरेंट होते हैं और वो आपको प्रेशराइज करते हैं टू फॉलो दोज रूल्स, ठीक है। इसलिए मॉरल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें परफॉर्म करनी चाहिए। आप अंदर से अबाइड होते हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं करनी है या ये चीज़ करनी है। आपकी वैल्यूज आपको वो चीज़ करने से रोकती हैं या करने को मजबूर करती हैं। सो बेसिकली ये उनका व्यू था लॉ और मोरालिटी पे। लॉ क्या था? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के साथ में। दूसरा, जो लॉ है वो आपको ड्यूटी बाउंड करता है और जो मोरालिटी के थ्रू अगर आप देखें तो वो आपको मॉरली बाउंड करेगा। उसके बाद में हमने मोरालिटी के एट्रीब्यूट्स देखे कि वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, डेलिबरेट चेंजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रेशराइज करते हैं किसी भी पर्सन को जो कि एटिकेट्स कस्टम्स और इन सबसे अलग होगा। देन हार्ड एक्सेप्टेड द मोरालिटी इज नेसेसरी कंडीशन इन द सोसाइटी एंड एज अ फंक्शन एंड लॉ एज अ फंक्शन टू इंश्योर द मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी डज नॉट डिसइंटीग्रेट। कहने का मतलब कि हार्ट ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि जो मोरालिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी सोसाइटी के अंदर, और अगर लॉज भी बनाए गए हैं तो भी मोरालिटी सोसाइटी में ज़रूरी है ताकि वो चीज़ों को फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेशराइज करें। सो उन्होंने मोरालिटी को एज ए इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन माना सोसाइटी में, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे हार्ट की क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, इन्होंने लॉ को कैसे समझाया, ठीक है। अब इनको कई जो जूरिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर डॉर्किन की। वेदर द लीगल सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स ओनली, इनका सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि जो एच एल ए हार्ट कहते हैं कि जो लॉ है वो सेट्स ऑफ टू रूल्स हैं, और जो उन्होंने कहा प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स है। सबसे पहला क्वेश्चन इनका ये था कि जो हमारा लीगल सिस्टम है क्या वो दो रूल से ही चलता है। डॉर्किन ने कहा दैट लीगल सिस्टम नॉट ओनली कंप्राइजेस ऑफ ओनली रूल्स बट इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल्सो। इनका सिर्फ रूल्स ही नहीं है, प्रिंसिपल्स भी हैं। द प्रिंसिपल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन दोज रूल्स, और आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन रूल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट देन द प्रिंसिपल्स विल ऑलवेज ओपन। कहने का मतलब कि जहाँ पे भी रूल्स और आपके प्रिंसिपल्स दोनों कॉन्फ्लिक्ट नेचर में आते हैं तो हमेशा जो हो गए वो आपके प्रिंसिपल्स ही ओवर प्रिवेल उस चीज़ को करेंगे। तो क्या कहा इन्होंने, बेसिकली कि इनके रूल्स को इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा कि केवल रूल से ही हमारा लॉ नहीं बनता है, प्रिंसिपल से भी बनता है, और जहाँ प्रिंसिपल्स और रूल्स कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे वहाँ प्रिंसिपल्स हमेशा प्रिवेल करेंगे। दूसरा हमारा जो क्रिटिसिज्म दिया था वो था लॉर्ड फुलर ने कहा था, अकॉर्डिंग टू हिम द लीगल सिस्टम बींग इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट द ह्यूमन कंडक्ट मस्ट कंसर्न इट सेल्फ विद बोथ लॉ एज इट इज एंड लॉ ऑट टू बी। इनका ये कहना था कि जो लॉ है वो मोरालिटी और लॉ मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, सोसाइटी उसी चीज़ से चलती है और ह्यूमन कंडक्ट भी उसी चीज़ से चलता है, यानी कि दोनों ज़रूरी हैं, लॉ जो कि लिखा गया है और वॉट इज ऑट टू बी क्या आपको करना चाहिए और क्या करना है, इन दोनों से मिलके ही लॉज बनते हैं और सोसाइटी आगे चलती है। सो ये हो गया हमारे एच एल ए हार्ट का क्रिटिसिज्म जो दो प्रोफेसर ने दिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है वो है रूल ऑफ रिकग्निशन। थोड़ा सा इसको आगे एक्सप्लेन किया था इन्होंने तो वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। द हार्ट पॉजिटिविज्म एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ विद रेफरेंस टू द रूल ऑफ रिकग्निशन बाइंडिंग फोर्स ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी। यानी रूल ऑफ रिकग्निशन क्या है, आपने कोई भी रूल बनाया जो कि सोसाइटी के अंदर आया, अगर लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है तभी उसका बाइंडिंग फोर्स डेवलप होगा, तभी लोग उस चीज़ को अपने ऊपर बाउंडेड मानेंगे। द वैलिडिटी ऑफ द लॉ इज टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ रिकग्निशन। यानी कि लॉ वैलिड है या नहीं ये उसकी रिकग्निशन पर डिपेंड करता है।
क्या करेगी, जो पर्टिकुलरली जो भी अथॉरिटी है उन्होंने एक रूल निकाला, वो सोसाइटी में आया, लोग उस चीज़ को कितना एक्सेप्ट करते हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रूल ऑफ रिकग्निशन, तभी उसी की वैलिडिटी डिफाइन होगी. सो रूल ऑफ रिकग्निशन क्या बताता है, बेसिकली कि जो भी रूल है वो वैलिड है या नहीं, ये है हमारा रूल ऑफ रिकग्निशन. सो इतना ही हमको पढ़ना था. इसका ओवरव्यू एचएलए हार्ट का यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए. सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ से आए, कौन सा ईयर्स, हमेशा याद रखना एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं. फिर वन वर्ड के अंदर आपसे उनका फेमस वर्क पूछा जा सकता है, ठीक है, बेसिकली वही पूछा जाता है. और हमेशा क्लासिक वर्क ही लिखना है. इनका क्लासिक वर्क था द कंसेप्ट ऑफ लॉ, ठीक है. उसके बाद में हमें लिखना है कंसेप्शन ऑफ लॉ, इन्होंने लॉ के लिए क्या कहा. इन्होंने कहा दो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स. प्राइमरी रूल्स क्या होंगे, दैट आज बाउंडिंग ऑन नेचर दैट बाइंड्स द इंडिविजुअल, एंड जो सेकेंडरी रूल्स होते हैं वो पावर कन्फर करते हैं इंडिविजुअल पे. देन रूल ऑफ रिकग्निशन क्या करता है, वैलिडिटी ऑफ रूल्स बताता है, ठीक है. देन कंसेप्ट ऑफ लॉ एंड मोरालिटी, इन्होंने मोरालिटी को एक्सेप्ट किया एज अ नेसेसरी एलिमेंट इन दी सोसाइटी, क्योंकि मोरालिटी है तभी लॉ चलते हैं. तो ये ऑट टू बी और व्हाट इट इज, इन सब के बारे में डिपेंड करता है. देन उसके बाद में हमने क्रिटिसिज्म डिस्कस किया. डॉर्किन ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो रूल्स हैं वो केवल, जो लॉ है वो केवल रूल से नहीं बनता है, प्रिंसिपल से भी बनता है. जहाँ प्रिंसिपल्स और रूल्स कॉन्फ्लिक्ट में होंगे वहाँ हमेशा प्रिंसिपल्स ओवर प्रिवेल करेंगे. और लॉन फुलर ने क्या कहा कि जो लॉज हैं वो क्या होते हैं, व्हाट एज इट इज लेट डाउन ऑल्सो एंड व्हाट इज ऑट टू बी, यानी कि बेसिकली मोरालिटी और उन दोनों को उन्होंने साथ लेके चला. सो दिस इज इट फॉर दी एचएलए हार्ट. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू सो मच. बाय बाय.